हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैक्रो प्लस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड जीएसटी के अंदर में कैसे बनाए जाते हैं। आपको तीन हेड बनाने हैं जिनका नाम है CGST, SGST, IGST, सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST। अब ये हेड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम स्टेट के अंदर अगर सेल करेंगे तो आपको ये दो टैक्स लगाने पड़ेंगे, CGST और SGST। अगर आप स्टेट के बाहर सेल करते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा IGST। यानी कि सपोज़ आपका बिजनेस है दिल्ली के अंदर तो आपको लगाने पड़ेंगे ये दो टैक्स। सपोज़ किसी आइटम पे 18% है तो आपको लगाना है CGST 9% और SGST 9%, टोटल मिला के हुआ 18%। इसी के साथ साथ अगर आप माल बेचते हैं दिल्ली से बाहर, यानी कि दिल्ली से यूपी में या कहीं और आप माल बेचते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा IGST। अगर एक आइटम पे 18% है तो आपको टोटल 18% लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्टेट के अंदर ही माल बेचते हैं और 18% है तो आपको 9% दो क्लासेस में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हेड देखते हैं कैसे बनेंगे। हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर क्रिएट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST। यहाँ पे हमें उसको बताना है कि CGST क्या है। यह है सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर हमें कोई परसेंटेज नहीं देनी है, यहाँ 0% रखना है। यहाँ पर राउंडिंग मेथड में कर लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग और इसको कर देते हैं सेव। अब इसके बाद बनाना है आपको SGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा और ये होगा GST और यहाँ पर जाएगा स्टेट टैक्स के अंदर। परसेंटेज को 0 रखते हैं नॉर्मल राउंडिंग। इसके बाद हमें बनाना है IGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा GST और यहां पर होगा हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज को हम 0 रखेंगे। 0 रखने का रीजन आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम एंट्री करेंगे इसकी। इसके बाद हम जाएंगे नॉर्मल राउंडिंग पे और इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST के लिए तीन हेड बनाने हैं, CGST, IGST, SGST। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GST की हम एंट्री कैसे करेंगे। जब हम माल परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो GST की एंट्री कैसे होती है।